के साथ ना खेल रहा, बातें कर रहा है। अब नहीं पहुंचूंगी, खुद से माफी मांग। चुप कर मूसा, जैसे बिल्ली बोल रही है। मूसा मूसा कर क्या रहा है? पियो दा हाथ मुझ पाई जा रहे हैं। मूसा पीछे कर लो, देना मुझे कर दे दो बस। पापा अपना पंखा रहा। नहीं नहीं, वो अपने पापा के साथ खेल रहा था। मूसा आया, मूसा क्या कर रहा है? अबे होवे लीजा, छोड़ दे छोड़ दे, वो अंगूठा चूस रहा है। वो खुद ही करेगा ना, ऊपर ही करेगा। मूसा मूसा नहीं, बच्चे थे अंदर है गए। अरे देख क्या, किधर गए? चीज लेन गई है नहीं है? अच्छा जग गया अली, देख क्या देख रहा। लीजा को देख रहा है इस टाइम। ये देख, वो है नहीं बाहर, तो इधर बाहर है। कौन से क्या पापा है? ये रह रहा है, ये देख रहा है ना, ये खुद ही उठाएगा ना। वो वॉशरूम में ये पैसे उसके मेरे उठा रहा है, नदीम ना लेगा चाहिए। नदीम है का नाल नाल की है असले आस्ता नहीं। मूसा ए मूसा गंदू बच्चा। अली सा, अली देखे अली इसके साथ क्या कर रहा है। आगे से ही हंसेगा। लीजा ही, लीजा को बच्चे बड़े पसंद है। लीजा कहती बस है मेनू फड़ा दो तो मैं खेली जा। मैं जरा अली फिर कर, अली फिर कर। अली मदारी बने हैं अभी आजकल। ये जिंदू बच्चा, ये गंदू बच्चा। अरे गाइस, मूसा ऊपर आया है। बारिश शुरू हुई है सुबह सुबह, ये देखें इतनी तेज़ बारिश है ना, तो देखें मेरे कमरे तक ना सारा पानी अंदर वहाँ से भी जा रहा है और गली कितनी भर गई है। इस बारिश में ना गली भर गई है, बस अल्लाह खैर करिए बारिश रुक गया। इधर से भी सारा अंदर पानी आ रहा है और एक मोटर पानी नहीं उठा रही। आज सुबह के तकरीबन 5:45 हो रहे हैं, पानी नहीं चढ़ रहा। ये सारा पानी है, परेशान खड़ी है। सल्ला बस बारिश रोक दे, बहुत हो गया। अभी देर से शुरू हुई है, सारा पानी अंदर आ रहा है। मैंने ना चौके ना शादी मंडी दे लम्बे पा लवे ना। ये देखो चीजें तैयार रही हैं। वीडियो में बनाई है, दिन में बारिश हो गई सुबह। मार ले ये आए बच्चे। एक कूलर भी दो बार गिर गया उनका, पानी में टूट गया। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इतना पानी है ना। अजीब भाई काम पे जा रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा है। ये मोटरसाइकिल वगैरह की झल जाती है ना, तो उस झल से ना मेरे कमरे में पानी आता है। मैं कपड़ा लगा के आई हूँ। ये देखें इधर भी इतना पानी था ना कि यहाँ से ना ये सुराख है ना, ये पास यहाँ से अंदर जा रहा था कमरे में, तो तहखाने में पानी आ गया। तो बस दुआ करें बारिश रुक जाए ये सारा। इधर से भी मैं बैठी हुई, मैं और अम्मी निकाल रहे हैं पानी। अभी अम्मी अजीब भाई को देखने गई हैं, बस यहाँ से पानी निकालते हैं, नहीं तो सारा मेरे कमरे में भी आ रहा है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जा कर। ये देखें तहखाने में पानी आ गया। ये जैसे ही आता ना कहाँ से आता है खुद ही चला जाता है, इसका पता नहीं चलता ये कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। नहीं ये जहाँ से आएगा वहीं से वापस भी चला जाएगा। जब बारिश कम होगी ना
यानी कि पानी कम होगा गलियों से तो फिर खुद ही चला जाएगा। इधर से ये मेरे कमरे में आ रहा था अंदर से, मैं दिखाती हूँ वहाँ से भी आ रहा है, ये सो रहा है। मैंने इधर कपड़ा लगाया, नज़र आ रही चटाई आपको गिली, सारा यहाँ से पानी आ रहा है। इतना गली भरी हुई है ना फुल, सारा पानी आ रहा है। ये अल्लाह बस कर दे बारिश, हम तो अल्लाह से दुआ करें बस कर दे, क्योंकि हमारा घर उस तरह का है, डर लगता है, थोड़ा पुराना है तो बस डर लगता है हमें। सुबह दी इन्नी परेशानी आई है, बारिश इन्नी हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि ना पानी पानी हो गया हर तरफ, तहखाने में पानी, छतें भी चोर हैं, एक भाभी का कमरा चोर है, तहखाने में भी इतना सारा पानी आ गया, गली वाली साइड पे जो आसमां के कमरे में जो जाली वाला दरवाज़ा है वहाँ से भी पानी टाप के उधर बन्नी भी बनाई हुई है इतनी ऊँची ना दीवार की, लेकिन उससे भी ऊपर हो के आसमां के कमरे से पानी आ गया, कमरे में से आ के ऐसे सीधा तहखाने में जा रहा है। और हमारा जो सेहन है उधर को कैमरा क्यों किया, तो हमारा जो सेहन है तो वहाँ से भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर करो, तो सेहन में भी बाहर गेट से पानी अंदर आ रहा था, गली फुल हो गई थी, बहुत ज़्यादा पानी आ गया था सुबह का, सारे लगे हुए थे करने के लिए। इसके पापा भी ऑफिस गए थे ना, वहाँ से बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, पानी तो नहीं आया, पानी तो नहीं आया। मैं क्या आया हुआ है, आप क्या करें, बारिश हो रही है अभी भी नहीं हटी, इतनी बारिश थी तूफानी और बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब हमने नाश्ता करने लगे सुबह का, 12 बज गए, 12 बज गए तो अभी भी बारिश नहीं रुकी, अभी भी बारिश बारिश कहीं ना कहीं हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी थोड़ी बाहर से पानी थोड़ा रुक गया, सामने गली में अभी भी हो रही है। मैं कहा ऊपर जाके ना छत पे देखती हूँ क्या हाल है पौधों का, कोई गिरा तो नहीं पौधा हमारा, ऊपर चलते हैं। मारिया का भी कमरा ऐसे हुआ हुआ है, उनके कमरे में भी पानी पानी आया हुआ है, दिखाती हूँ मैं, ये देखें इधर से इनका भी पानी पानी आया हुआ है, इस तरफ से छत से ना ऊपर से, ये देखें आप लोग कहते हैं ना हमारे छत चेक करें ज़रा घर की ऊपर वाले कमरे की, ये देखें और आगे से, हाय भाभी का तो कमरा देख लिया, अब ऊपर अपने पौधों की प्रोग्रेस देख लें, बारिश से ये तो खुश हो गए होंगे, ये देखें ये तो गुलाब ऐसे ही, ये धागा बांधा सा इधर से भी निकल गया, ये इधर अब आ रहा है, अब इसको फिर ना ऐसे लटकाना पड़ेगा, तो अभी करते हैं फिर ये होके वही माशाल्लाह, वो गुले दोपहरी चेक करें ज़रा, वो ऊपर देखो ये देखें ज़रा ऊपर तोता गुले, वो जोड़ी बैठी है, ये इधर ही रहती है, ये ना कबूतर और कबूतरी इधर ही रहते हैं, और हमारी आप गुले दोपहरी चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है, येलो भी फूल है, पिंक, ऑरेंज, पीच, और ये वाले भी हमारे सारे पौधे माशाल्लाह खुश हो गए हैं, और ये ना हमारा जो है ना लेमन, इसमें देखें कितने कलियां लग गई हैं, भर गया कलियों से, ये लग ही नहीं रही थी, और ये देखें हमारा इसका पहला नींबू,
माशाल्लाह बड़ा हो गया, ये भी थोड़े दिनों तक उतारेंगे हम। एक इधर भी लगा था तो कोई हमारे घर के जो बच्चे हैं ना ऊपर आते हैं जब देखते हैं ना हम नहीं हैं वो फिर तोड़ लेते हैं। सारे पौधे माशाल्लाह माशाल्लाह खुश हो गए। ये वाला भी बड़ा हो रहा है, ये देखें इसके भी फूल आए हुए हैं। वही माशाल्लाह, ये उस दिन इसके पापा ने ये छोटे गमले लगाए हैं तो उसमें भी छोटे गमले में भी फूल आ गया हुआ। और ये नज़दीक से आके देखते हैं अभी, ये लीजा आगे ना जाओ बेटा डर लग रहा है छत से, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये इधर सारा, लीजा आगे ना जाओ जैसे लाइन यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो पीच कलर के फूल है ना ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये वाले कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, आपको पता नहीं कैमरे में कैसे लग रहे होंगे, रियल में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें ये वाला कलर कितना खिला खिला लग रहा है। और यहाँ पे देखें कैसे इकट्ठे ही हैं इतने सारे फूलों को देख के ना, वैसे ही रूह ताज़ा हो जाती है, इतनी खुश हो जाता है ना दिल, जितना बंदा नर्वस हो ना फूल देख के खुश हो जाता है, इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे दिल से ऐसे। वो कहते हैं ना बंदा जो बयान नहीं कर सकता वो वाली खुशी निकल रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा तो गैस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसर, आसमान भी बनाए हैं, तड़का लगा रहे हैं, मसर पक रहे हैं इधर, बस इसमें अब तड़का लगाएंगे और थोड़े से मसर गाढ़े हो जाएंगे पकते रहेंगे ना, साथ में हरी मिर्चें हरा धनिया भी डालेंगे। यहाँ मैंने मिर्चें धनिया भी काट लिया, ये भी डालेंगे साथ ही। मसरों में ना हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, प्याज ओ प्याज कह रही हूँ, लहसुन भी हो रहा है ब्राउन होने के लिए रखा हुआ। ओके अब पता नहीं चावल पकेंगे कि नहीं, वो शाम को पता चलेगा। लहसुन हो गया है हमारा ब्राउन, अब इसको डालेंगे तड़का लग गया जी तड़का। चलो जी दाल हमारी रेडी हो गई है, बाकी इसमें मसाले हमने पहले ही डाल दिए थे सारे, क्योंकि ये पड़े पड़े भी ना सख्त हो जाते हैं इसीलिए इसको थोड़ा हम पतला ही रखेंगे, वो जब तक हमने खाने शाम तक गाढ़े हो जाने, इन्होंने जम जाना, अभी भी गाढ़े हो गए थोड़े से पक पक के उबाला अच्छी तरह आ गए। अब इसको बंद करेंगे, पतीली में डालूँगी दूसरी वाली में। ये दोनों बैठे हुए हैं फजूल लड़ाई करते रहते हैं करते रहते हैं। चलें जी इधर टकले साहब आ गए हैं, अली भी कह रहा मैंने भी टिंड करानी है, अली का भी दिल कर रहा है टिंड कराने का। अम्मी ने देखो अम्मी जड़ी है ना अपनी पोती दी वीडियो वेख वेख के हसन दई, इधर दहा ना इधर नु करना अम्मी, इधर नु करना जरा मोबाइल इधर करना ए, ये अम्मी इसको देख देख के राजी हो रही है, ये हमारी जन्नत है, छोटे भाई की बेटी है जो दुबई से, बचपन की वीडियो देख अम्मी मोबाइल से वे वे के खुश हो गई। और इनको देखो जरा आसमां भी आ गया, अभी हम खत्म पे गए थे जुमेरात थी पहली इधर बादल देखे इतने काले काले बादल आए हुए, मेरा पांव जलाया था।
ये देखे जी गाइस, ये भाभी ने जो मेरा पाँव जलाया था ना शिबाना भाभी ने, उसका ये हाल हो गया। मक्खियाँ बहदियाँ भी हैं, छिलके उतर गए। मैं थोड़े लाए, वो तो कूलर में पानी जो तहखाने कूलर डिग गया ना दोबारा, उन्होंने चुकन गई तो कूलर बजे है मेरे थले जानी जख्म खराब कर दिया। थले जानी ना, ये देखे जी, ये इधर वसीम भाई के ना टेंड पे मारी जा रहा है, उसकी टेंड देख के उसका दिल कर रहा है मैं भी करवाऊं, पर नहीं है ना स्कूल खुलने वाले है ना, 16 तारीख को पहला पेपर है इसका, अच्छा नहीं लगता इसकी टेंड करवाने का उसका दिल कर रहा है। वसीम अगर शादी दूसरी कर लेगा ये कहेगा मैंने भी करनी है। हाँ पहले ना लीजा कोई चीज लेती थी ना गुड़िया या पोनिए भैर बहन, तो ये भी रोता था मैंने भी लेना। अच्छा हाँ पोनिया चुटकियाँ जो भी लेंदा सी, ईद ते लेंदे सी ना, मैंने भी यही लेना, जिद करता था लीजा ना, लीजा ने बर्तन लेने ते कहना मैं भी वही चीज लैनी, गुड़िया लीता लीजा ने गुड़िया लीती, इन्हें क्या मैं भी वही गुड़िया लैनी। अच्छा हूँ थोड़ा जहा घट गया आके कहना, पहले बहुत कहता सी लीजा ने जिहड़ी चीज लेके आनी इन्हें कहना मैं यही चीज लेके आनी, मैं होर नहीं लेके आनी। अच्छा हूँ घटिया, उसको पहले दो दिन मैं की थी ना, फिर हूँ दो दिन मैं की, बच्चा था ना छोटा इसलिए आज काम थे गया था, कहना मैं दो दिन काम किया। नदीम किसी को दफ्तर पे, दफ्तर है जो इसकी जगह बैठता है ना, उसको कह रहा था कि मैंने कल नहीं आना, मैं कल चला जाऊंगा, तू पीर मंगल को छुट्टी, हफ्ता तो छुट्टी होती इनको, पीर मंगल को तू चला जाए, तो बदल आ गया। ये देखे बहुत तेज आया, हल्की हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई है, आटा पीसने वाली मशीन को मारते हैं फड़ के फिर। अम्मी बोल रही थी अल्लाह बारिश बंद कर दे, कहने ना लोकी कहने ना ये एड्डी बड़ी ठोडी है लोगों ने। हम बना रहे हैं आज मसर, मसर मैंने बना लिए हैं, साथ में चावल पकाए हैं। तो मैं अभी पहले मुझे ये नहीं पता था कि चावल बना रहे, अभी इसके पापा आए कह रहे बना लो, आसमा भी बना रही है ना, वो कह रही तुमने क्या पकाया, मैंने कहा मैंने भी मसर ही बनाए, कह रहे फिर सारा चावल ही बना लो। इधर आसमा ने भी चावल दम लगाए हैं ना, इधर मैं भी बस ज़ीरा हो गया था ब्राउन, तो मैंने कहा चलो अब पानी डाल के उबाला आएगा तो चावल डाल देंगे। इधर उसने भी चावल दम लगाए हैं अपने, उसने भी मसर चावल ही पकाए हैं, इसमें एक मग्गा और पानी का डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो जी अब इसको उबाला आने देते हैं तो फिर पके आएंगे, चावल डालेंगे, चावल ना भिगो दिए अपने पास धो लूँ उनको, इसके पापा ने ला के भिगो दिए थे, अच्छे तरीके से उनको धो लेते हैं, ब्रश करते हैं, लेके आती है अंदर से वो पड़े हैं बॉल में, ये ना पुराने चावल हैं बड़े अच्छे पकते हैं, 280 रुपये वो किलो वाले हैं, लेकिन बड़े ही मज़े के पकते हैं, और हम तो यही पकाते हैं, चाहे बिरयानी पकानी हो चाहे सादे पकाने हो दाल के साथ, यही पकाते हैं हम। हाँ तुम आज कहो कहो हूँ फोन नहीं मिलाना, नहीं तो हूँ मैं वीडियो बनानी है तुहाडे, कह हूँ कह मोटी कहना मैं लाइव कॉल करूंगा। अच्छा ये इस लड़के को गौर से ले देख ले नाजरीन, ये अली मुर्तजाई है, अभी ये थोड़ी देर में आपको मिलेगा एक अपनी अजीब हालत में, वो दिखाते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। राम राम। चले जी नाजरीन, एक नन्नजुमा अजूबा पेश होने वाला है, वो आ रहा है, आ जाओ तशरीफ लाइए अभी। गंजिया दो गंजे मजा आया।
ਟਿੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।